हमारी काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई और मेन मेन बात ये हुई कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो बेरोजगारी की सिचुएशन है उससे देश में युवाओं में गुस्सा है, डर है, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार का काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और इसीलिए यूनिवर्सिटीज में, युवाओं में, किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसको एड्रेस करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी देश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर देश की जनता समझती है कि नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी पे, रोजगार पे, हिंदुस्तान के फ्यूचर पर फेल हो गए हैं। रेजोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, डिटेल्स आपको येचुरी जी, आजाद जी और बाकी पार्टी के नेता देंगे। बट मेन मैसेज ये है कि आज जो युवाओं की आवाज़ उठ रही है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, उसको दबाया नहीं जाना चाहिए और सरकार को उस आवाज़ को सुनना चाहिए और उस आवाज़ को भविष्य के बारे में, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे एक बार फिर पटरी पे आएगी, उसके बारे में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये मेन मैसेज है। धन्यवाद। वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन सीनियर ऑपोजिशन लीडर्स। वी प्रिपेयर्ड अ रेजोल्यूशन। गुलाम नबी जी एंड येचुरी जी विल प्रोबेबली गिव यू सम ऑफ द डिटेल्स। द मेन डिस्कशन सेंटर्ड अराउंड द मूड इन द कंट्री, द फैक्ट दैट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, ऑल रिलीजन्स, ऑल कम्युनिटीज हैव कम आउट। देर इज अ फीलिंग ऑफ एंगर एंड फियर इन आवर स्टूडेंट्स, इन द वीकर सेक्शंस, इन द किसान्स। द रीजन दिस फियर एग्जिस्ट इज बिकॉज देर इज ए कंप्लीट फेलियर, एब्सोल्यूट ब्लैंकेट डिजास्टर्स फेलियर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड ऑन द एम्प्लॉयमेंट फ्रंट। The opportunity that India had, has been lost, let me tell you. We are busy discussing everything except the main issue, which is joblessness and our economic strength. This has been destroyed by Mr. Narendra Modi. Demonetization, part one and part two. Instead of addressing this, instead of going to the students of India and saying, listen, this is what I'm going to do, this is how I'm going to give you jobs, this is how I'm going to set the economy right, he is doing the biggest disservice to this nation by dividing this nation and distracting the attention of people. This is not going to help our country. Mr. Narendra Modi should stand up and have the courage to speak to the youngsters in these universities and tell them why the Indian economy has become a disaster, why it has become a basket case, and why we have the highest unemployment in 50 years. Unfortunately, the Prime Minister does not have the guts to do this. He does not have the guts to stand in front of the students of this country and tell them, so he crushes them using the police. I challenge the Prime Minister right now to go to any of the universities, stand over there without his police, without his infrastructure, and tell the people what he's going to do for this country. Thank you.